गुड मॉर्निंग माई डियर किड्स, हेलो, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न, दिस इज योर चैप्टर 11, हेल्थी चिल्ड्रन. ये चैप्टर हमने रीड कर लिया था. इस चैप्टर का हम आज एक्सरसाइज करने जा रहे हैं. ये एक्सरसाइज मैं फिल करवा रही हूँ आपको, आप भी अपनी बुक में इस तरह से फिल कर लेना. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल स्टार्ट. दिस इज वर्ड मीनिंग. वर्ड मीनिंग है ये भी देख लेते हैं आप आज. ये आप अपनी कॉपी में लिखना है इसको. हेल्दी, हेल्दी मीन्स ए पर्सन हु इज नो सिक. हेल्दी मीन्स क्या होता है? जो स्वस्थ होता है उसको, उसके लिए बोला जाता है. जैसे ए पर्सन हु इज नॉट सिक, जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसे हम क्या कहेंगे? हेल्दी. हेल्दी मीन्स स्वस्थ. और ब्रीथ, ब्रीथ मीन्स टेक एयर इनटू द लंग्स एंड सेंड इट आउट. जो हवा में सांस ले सकते हैं और छोड़ सकते हैं बाहर की तरफ, उसे हम क्या कहते हैं? ब्रीथ, मतलब सांस लेना और छोड़ना, ब्रीथ. ओके, नेक्स्ट देखिए ऑफन. ऑफन मीन्स क्या होता है? मैनी टाइम्स. जब कोई काम हम जब बार बार करते हैं उसे कहते हैं, उसमें हम किसका यूज़ करते हैं? ऑफन का यूज़ करते हैं. ओके, उसको मैनी टाइम्स बोलते हैं. दिस इज़ प्योर, प्योर फ्री फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स. फ्री फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स मीन्स जो हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं हो, एकदम प्योर हो, शुद्ध हो, उसे हम प्योर कहते हैं, शुद्ध कहते हैं. प्योर मीन्स शुद्ध, ये मैंने आपको बताया था चैप्टर में भी. ओके, और ब्रीथ मीन्स लव, ब्रीथ मीन्स सांस लेना और छोड़ना. ठीक है, हेल्दी मीन्स जो स्वस्थ हो. ठीक है ना? ओके, सो ये आपको अपनी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है इनको. सो डूइंग कॉपी, आप अपनी कॉपी में खुद से करना. नेक्स्ट देखिए, ये है टिक द करेक्ट है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेल्दी चिल्ड्रन ब्रीथ इम्प्योर एयर या फ्रेश एयर. ऑब्वियसली फ्रेश एयर में ही हम सांस लेते हैं. जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं वो फ्रेश एयर में सांस लेते हैं. तो किस पे टिक करेंगे? बी पे टिक करेंगे. नेक्स्ट देखो, हेल्दी चिल्ड्रन ऑफन स्माइल, नेवर स्माइल या ऑफन स्माइल. ऑब्वियसली ऑफन स्माइल, ऑलवेज स्माइल. जो हेल्दी होते हैं, स्वस्थ होते हैं, वो हमेशा स्माइल करते हैं, खुश रहते हैं. ओके, और इसके अपोजिट जो सिक रहते हैं, बीमार रहते हैं, है ना, वो क्या कर सकते हैं? वो ना तो अपना काम ढंग से कर पाते हैं, ना स्माइल भी नहीं कर सकते हैं. उनका फेस क्या होता है? डल होता जाता है. इसीलिए हेल्दी चिल्ड्रन ऑफन स्माइल. जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं? हमेशा स्माइल रखते हैं, फेस पे उनके स्माइल रहती है. क्यों? बिकॉज वो हेल्दी है इसीलिए. ओके, नेक्स्ट देखिए, अकॉर्डिंग टू पोइम, हेल्दी चिल्ड्रन आर नॉट अफेयर्ड ऑफ एनिमल्स जर्म्स. जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं वो जर्म्स से नहीं डरते हैं. ओके, इसमें आएगा बी पे टिक कर दीजिएगा. हेल्दी चिल्ड्रन स्टॉप टू रेस्ट वाइल ए डे. हेल्दी चिल्ड्रन स्टॉप टू रेस्ट वाइल. सो इसमें क्या आएगा? ए फिल कर लेना आप. ठीक है, ओके. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर. यहाँ आपको ट्रू और फॉल्स भरना है या टिक या करेक्ट कर लेना. हेल्दी चिल्ड्रन आर फाउंड नाउ नो वेयर. हेल्दी चिल्ड्रन क्या सब जगह नहीं होते हैं? सब जगह पाए होते हैं. दिस इज फॉल्स. सो हम यहाँ क्रॉस का निशान लगा देंगे, क्रॉस. ओके, दे ऑलवेज कीप देमसेल्व्स क्लीन. दे ऑलवेज कीप देमसेल्व्स क्लीन. क्या वो हमें हमेशा अपने आप को क्लीन रखते हैं? रखते हैं क्लीन? यस, रखते हैं. ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ट्रू हो गया ना. ओके, नेक्स्ट देखिए, टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट प्योर फूड. टू स्टे हेल्दी वी शुड ईट प्योर फूड. यस, इसमें भी ट्रू हो जाएगा, राइट कनेक्शन. हेल्दी चिल्ड्रन आर नेवर हैप्पी. नो,
हेल्दी चिल्ड्रन क्या कभी नहीं खुश होते हैं? दिस इज फॉल्स। हेल्दी चिल्ड्रन तो ऑलवेज स्माइल करते हैं। हेल्दी चिल्ड्रन टेक पाथ एवरी डे। यस, इसमें भी ट्रू आएगा, टिक कर दीजिएगा। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मैच द फॉलोइंग। ये मैच करना है इसको आपको। स्माइल 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 को किससे मैच करेंगे? डी से मैच करेंगे। स्माइल को डी से मैच करेंगे, वन को डी से, वाइल से। एवरीवेयर एवरीवेयर को कहाँ से किससे मैच करेंगे? एयर से। एयर कहाँ है? एवरीवेयर है। थर्ड है प्लान, प्लान प्लान को किससे मैच करेंगे? कैन से। और पैराडी, पैराडी को किससे मैच करेंगे? अफेयर से। टर्न को मैच करेंगे हम लर्न से, टर्न को लर्न से। ये राइमिंग वर्ड है, सो इनको हमने मैच किया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हु कीप देयर हैंड एंड फेसेस क्लीन। आपके जो हैंड्स एंड फेस कौन क्लीन करता है? हेल्दी चिल्ड्रन। जो हेल्दी चिल्ड्रन होते हैं वो हमेशा अपने फेस और हैंड को क्लीन रखते हैं। सो हेल्दी चिल्ड्रन कीप दीज देयर हैंड एंड फेस ओके क्लीन। वॉट डज हेल्दी चिल्ड्रन ब्रीथ? हेल्दी चिल्ड्रन ब्रीथ फ्रेश एयर। वॉट शुड, नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉट शुड वी ईट टू स्टे हेल्दी? वी शुड ईट प्योर फूड टू स्टे हेल्दी। वाई आर हेल्दी चिल्ड्रन नॉट अफेड ऑफ जर्म्स? हेल्दी चिल्ड्रन ब्रश देयर टीथ ट्विस ए डे सो दैट देयर आर नॉट अफेड ऑफ जर्म्स। ओके, सो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको मैंने समझा दिए हैं। ये आपको इसका PDF मिल जाएगा, उसमें से आप अपनी कॉपी में और बुक में नोट डाउन कर लेना। यहाँ तक आपका होमवर्क आपको करना है, डू योर सेल्फ ये होमवर्क करना है आपको, ठीक है? डू इन कॉपी। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखो वोकैबुलरी है। ये मैक इट टू वर्ड्स फॉर ईच वर्ड्स। जैसे डॉक्टर से डॉट और कॉट ये शब्द निकले हैं, वैसे ही क्रैप से ऐप रैप, गोल्डन से ओल्ड गोल्ड, लर्न से लर्न और ईयर, ये दो वर्ड निकले हैं। ओके, तो इसी तरह से इधर भी देखिए, ये एक्टिविटी भी है आपकी एक। सम वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर लाइक सन एंड मून, डे एंड नाइट। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट विथ इट्स पेयर। तो ये जो ये वर्ड्स थी हुए, इनके साथ में हमें पेयर बना के इनको लिखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है नाइफ एंड, नाइफ के साथ में क्या होता है? नाइफ के साथ होता है फॉर्क। फॉर्क होता है ना जो कांटे वाला जो चम्मच होता है ना, उसको बोलते हैं। नाइफ किसे बोलते हैं? हम चाकू को बोलते हैं, ठीक है? तो नाइफ एंड फॉर्क। नेक्स्ट देखो कॉट एंड टाई। कॉट के साथ में क्या यूज होता है? टाई का यूज होता है, सो हमने यहाँ टाई फिल कर दिया है। नेक्स्ट देखो ब्रेड एंड बटर। ब्रेड के साथ में हम बटर का यूज करते हैं, तो हमें पैर बनाना है, तो ब्रेड एंड बटर। नेक्स्ट देखो सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट, सॉल्ट मीन्स नमक, पेपर मीन्स काली मिर्ची, जो काली मिर्च का पाउडर होता है ना उसे हम बोलते हैं सॉल्ट एंड पेपर। लॉक एंड की। लॉक एंड की, लॉक के साथ क्या यूज करते हैं? हम की का यूज करते हैं, सो इसका हमने पेयर बना दिया लॉक एंड की। कप एंड सॉस, कप एंड सॉस, ठीक है? सॉरी सॉसर, कप एंड सॉसर, ठीक है? तो आपको ये समझ में आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एग्जेक्टिव वर्ड्स है। रीड द फॉलोइंग। Perhaps beautiful girl, blue sky, sweet mango and tall boy. This is ये adjective words है। और next है write the correct adjective for the each following nouns. You may take help from the help box. तो यहाँ हमने यहाँ कुछ words दिए हुए हैं, इसमें से हमें यहाँ fill करने हैं। जैसे green grass, ग्रास कैसी होती है? ग्रीन होती है, सो ये इसका क्या है? एग्जेक्टिव वर्ड है। जिस वर्ड की हम जो विशेषता बताते हैं उसे ही हम एग्जेक्टिव कहते हैं। तो बॉय कैसा है यहाँ पे? इन वर्ड्स में से हमें चूज करना है बॉय कैसा है? हैंडसम है, सो हमने यहाँ हैंडसम फिल कर दिया है। ओके,
और ग्रेप्स कैसे हैं, ग्रेप्स कैसे होते हैं, खट्टे, श्योर खट्टे। और ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर कैसी है, ओल्ड है, ओल्ड ग्रैंड मदर। एंड वाटर, वाटर इज शैलो। और बेबी इज हंग्री, बेबी इज हंग्री। ओके, ये एग्जेक्टिव वर्ड्स हमने इसमें फिल कर दिए डियर स्टूडेंट्स। अब आपको ये क्वेश्चन आंसर जिसका PDF मिलेगा होमवर्क के लिए, वो आपको कॉपी में कर लेना है। ओके ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।